नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्लॉथ। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक स्प्रे पेंट को घर में ही बनाते हैं। आज की वीडियो में इसी को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले कोई भी प्लास्टिक बॉटल ऐसे ले लो और इसके ढक्कन को ऐसे खोल के रख दो। अब ऐसे एक साइकिल का ट्यूब वाल्व ले लो। हम देख सकते हैं इसके अंदर तो वाल्व का पिन नहीं है, तो पहले इसका पिन को उठा के इसमें फिक्स कर देना है। अब इस बॉटल में इस जगह पर एक छोटा सा छेद बना दो ताकि हमारा वाल्व इसमें घुस सकता है। अब इस वाल्व को इस बॉटल के अंदर से इस छेद में से बाहर निकालना है। तो इसे करने के लिए मैंने एक छोटा सा रस्सी को उठा के उसे इस वाल्व के ऊपर ऐसे बांध के इसे उपयोग कर मैंने इस बॉटल के अंदर से इस वाल्व को छेद में से ऐसे बाहर निकाल दिया। अब थोड़ा सा ऐसे एमसील को इस वाल्व के साइड में डाल दो, फिर इस जगह पर इस वाल्व को अच्छे से ऐसे लॉक कर दो। अब ये तो हो गया। अब एक पुराना खाली स्प्रे पेंट का कंटेनर या रूम स्प्रे का कंटेनर ऐसे ले लो, इसके टॉप को ऐसे काट के बाहर निकाल दो। अब इस नोजल के बटन को ऐसे बाहर निकाल दो। अब इस जगह को ऐसे अच्छे से राउंड शेप में काट दो। ये तो देखने के लिए ऐसे होना चाहिए। अब हमारे बॉटल के ढक्कन को उठा के उसके सेंटर में ऐसे एक छेद बना दो। फिर इस ट्यूब के पीस को उठा के इस छेद के अंदर ऐसे घुसा दो। फ्री एमसील को उपयोग कर इसे इस ढक्कन के साथ ऐसे अच्छे से चिपका दो। अब ये ट्यूब का लेंथ थोड़ा कम है। इस ट्यूब का लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ऐसे एक छोटा सा पाइप लेके उसे इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दो। अब तो ये ट्यूब इस बॉटल के नीचे तक पहुंच रहा है। अब इस नोजल के बटन को इसमें फिर से कनेक्ट कर दो। ये तो तैयार हो चुका है। अब इसे हम पहले पानी के साथ टेस्ट करेंगे। थोड़ा पानी इस बॉटल के अंदर डाल दो, फिर इस बॉटल को अच्छे से बंद कर दो। अब इस बॉटल के अंदर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम इस बॉटल के अंदर हवा को पंप करेंगे। जब इस बॉटल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, उसे जब हम हवा को पंप करते हैं उस समय हम फील कर सकते हैं। इस पंप को दबाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उस समय इस पंप को बॉटल से डिस्कनेक्ट कर दो। अब ये काम करता है या नहीं उसे टेस्ट कर देंगे। ये तो अच्छे से काम कर रहा है। अब इस बॉटल को हम पेंट के साथ टेस्ट करेंगे। तो पहले इस बॉटल के ढक्कन को खोलना है। इस बॉटल के ढक्कन को खोलने के पहले हमें इस बॉटल के अंदर जो प्रेशर है उसे रिमूव कर देना है। वो तो आसानी से हम कर सकते हैं। हमें इस वाल्व के पिन को दबाना है, तो इसके अंदर जो भी प्रेशर था वो बाहर निकल गया। अब इस बॉटल के अंदर कोई भी प्रेशर नहीं है, हम इसके ढक्कन को अब खोल सकते हैं। मैं तो ब्लैक पेंट को उपयोग कर रहा हूँ। इस पेंट के साथ थोड़ा टर्पेंटाइन मिक्स कर देंगे। अब इस पेंट को इस बॉटल के अंदर डाल दो। आपको चाहिए तो इसके अंदर जो पेंट है उसे मिक्स करने के लिए हम इसके अंदर एक मार्बल भी डाल सकते हैं। इस बॉटल के प्रेशर को बढ़ा के इसे टेस्ट कर देंगे। अब इसे उपयोग कर मैं तो इस पीवीसी पार्ट्स को पेंट करूंगा। ये पीवीसी पार्ट्स तो हमारे वाटर पंप का है। अगर आपने वाटर पंप का वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं।
तो ये स्प्रे पेंट तो बेसिकली एयर प्रेशर से काम करता है। जब हम इस बॉटल के अंदर प्रेशर को बढ़ा देते हैं, इस बॉटल के अंदर तो हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। जब हम इस नोजल के बटन को प्रेस करते हैं, जो हाई प्रेशर बॉटल के अंदर होता है वो तो लो प्रेशर की तरफ, इस बॉटल के अंदर जो पेंट है उसे इसके अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर से पेंट को ऊपर तक पुश करके बाहर स्प्रे कर देता है। ऐसे ही ओरिजिनल स्प्रे पेंट भी काम करते हैं। जो पेंट हमने इस पीवीसी पार्ट्स में स्प्रे किया वो तो सूख गया, ये तो देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज की वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं उसे तो जाकर कमेंट्स में बताइए। आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो पर देखते हैं। बाय।